Cabe tu costa. Entrasti mi appare distantemente. Mi apparsi a te. Entrasti mi appare che sei un gruppo. Mi rivedo anche di carne. Te capi. Mi apparsi anche ad albero. Mi viene per carne. लेन-देन करने में सफल होता है। व्यापार सत्य एक देश के आर्थिक विकास का आधार है। व्यापार सत्य एक देश में विभिन्न स्थितियों की तुलना करने का आधार है, विनिमय दर निर्धारण का आधार है, सुदृढ़ता का आधार है। और व्यापार सत्यों के आधार पर हम देखते हैं कि एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कहाँ तक प्रगति कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि व्यापार शब्द वास्तव में एक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। अब एक बात आता है व्यापार शब्दों का अर्थ। आयात मूल्य ज्यादा निर्यात कम होते हैं, यानी आयात मूल्य निर्यात कम होता है।
मांगने पर यदि आयात की मांग बढ़ जाती है तो व्यापार शुद्ध होती है और निर्यात की मांग बढ़ जाती है तो अनुकूल व्यापार शुद्ध होती है, यानी मांग में परिवर्तन व्यापार शुद्ध होकर प्रभावित करता है। पशु वे देश जो विकसित होते हैं व्यापार शक्ति अनुकूल होती है, वो जबकि विकासशील देशों की व्यापार शक्ति प्रतिकूल होती है। राजनीतिक विश्व के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध है, राजनीतिक सुदृढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था की व्यापार शक्ति अनुकूल होगी और इसकी विपरीत राजनीतिक अस्थिरता है यदि भुगतान स्थापन कम होंगे तो प्रतिकूल होंगे। गुजरात यदि जब एक देश की बात अपनी मुद्रा पर अपने दूसरे देश की मुद्रा के लिए होता है तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन विदेशी निवेश के मुकाबला करते हैं, उसका समाधान करने के लिए होता है। तो जब एक अर्थव्यवस्था अवमूल्यन करती है तो उसके कारण उसकी निर्यात बढ़ते हैं, आयात घटते हैं, फलस्वरूप उसकी व्यापार क्षेत्र अनुकूल होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आर्थिक वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तो व्यापार क्षेत्र अनुकूल होती है और मंदी की स्थिति में व्यापार क्षेत्र प्रतिकूल होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आर्थिक नहीं आती है तो व्यापार शर्तें प्रतिकूल होने की प्रवृत्ति रहती है। विदेशी पूंजी भी व्यापार शर्तों को प्रभावित करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यापार शर्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार शर्तें आयात मूल्यों और निर्यात मूल्यों के बीच में पाए जाने वाले अनुपातिक संबंध का नाम है और उसके आधार पर क्या है एक अर्थव्यवस्था में व्यापार शर्तों का निर्धारण करते हैं और उसके आधार पर विदेशी